किसी साथी के जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। असल में प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, मैंने थोड़ा मुख्तसर इसलिए किया कि मुझे अभी प्रोग्राम में जाना है, तो इसलिए कुछ वक्त है थोड़ा आप कर सकते हैं। कहते हैं कि जब मदीना में जाएं कोई जा रहा हो मदीना तो लोग कहते हैं कि जाके वहाँ पे सलाम मेरा कह देना कि फलां बिन फलां ने सलाम कहा, और एक और भी है कि ना खाने काबा का जो दीवार है उस पर जाके मेरा नाम लिख देना कि ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी है इनके उसने कहा था शागिर्द हैं, उन्होंने बता दें कि उनके उस्ताद ने ऐसा किया है और जिनके नाम लिखे उनको उन्हें बताने ज्यादा नसीब हो गई, तो क्या इसकी उनको क्या हो गया था, उनको गए हैं मतलब वहाँ पे नाम भी होंगे तो अल्लाह तआला ने आपको मौका बुलाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी दीवार पे अपना नाम नहीं लिखवाया और तकरीबन 15-16 दफा जा चुका हूँ, वो तो एक दफा गया ना, ये नाम लिखने का नुकसान है। देखिए असल में जो लोग सलाम भिजवाते हैं ना वो ये भी कहते हैं के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जवाब भी देते हैं, वो ये भी कहते हैं आप सलाम करोगे तो वो आगे जवाब देते हैं। अब ये अजीब बात है कि हम जिंदा वहां खड़े हुए हैं हम सलाम करते हैं और फौत होने वाली जात हमारे सलाम को सुन लेती है, ठीक, और वो फौत होने वाली जात जब जवाब देती है हम जिंदा है हम उनके जवाब को नहीं सुनते, यानी ये मामला बिल्कुल उलट हो गया है कि जिंदा नहीं सुनता फौत होने वाला सुनता, अकल के भी मना, कुरान और सुन्नत की तो मनाफी है, अकल के भी मनाफी, अल्लाह के हबीब से खुद अल्लाह ने कहा कि जो कब्रों में लोग चले गए हैं अय हबीब आप उनको सुनवा नहीं सकते,